उधर गरियाबंद जिले में राजा पड़ाव क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने बैठक के बाद 62 स्कूलों पर तालाबंदी और सोसाइटी से राशन लेना बंद करने की घोषणा की। ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने तक स्कूलों में तालाबंदी करने का फैसला किया है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों और साप्ताहिक बाजारों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष में संजय नेताम ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी गांव में विद्युतीकरण, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। किसानों को वन अधिकार पत्र दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने 21 अक्टूबर को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी। एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र को शासन प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए आज लोग इकट्ठा हुए थे और रणनीति बनी है कि अगले सप्ताह से मंगलवार को परसों ज्ञापन देने, फिर ज्ञापन में जो दिए थे उसमें क्या क्या हुआ, क्या समीक्षा प्रशासन ने किया है, उसको लेकर के माननीय कलेक्टर से इस क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। उसके बाद मिलने जाने के बाद जो साहब के द्वारा बताया जाएगा उस पर फिर विचार की जाएगी, और आने वाला सप्ताह जो फिर से आएगी उसमें शिक्षक की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो पूरे क्षेत्रों में तालाबंदी की जाएगी। समीक्षा बैठक हुआ जिसमें हम एसडीएम को ज्ञापन दिए थे और 5 दिन का समय मांगे हैं, और हमारे उनको मान को हम रखेंगे जब तक, यदि हमारा 5 दिन में यदि हमारा मांग पूरा नहीं होती है तो हम पक्का धरना प्रदर्शन पे हम खड़े होंगे। शासन प्रशासन हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है, और एसडीएम को हम विज्ञापन दिए थे उसमें जो कार्य के लिए शासन प्रशासन ने बोले कि उस कार्य अभी तक संचालित नहीं हुआ है, और संगठन के थ्रू आज यह चर्चा हुआ है कि